नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने अपने बीच में आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आप लोगों से बस यही अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले 28 तारीख को बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें गोविंदपुर विधानसभा से एक एक वोट आप लोग लालटेन जो दो नंबर है पे है ईवीएम मशीन के, आप लोग अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके और मुझे यहाँ से विधानसभा जाने का और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग रास्ता साफ करें। बहुत बहुत आप लोगों का आभारी रहेंगे उसके लिए। 10 सालों से आप लोगों के साथ खड़े हैं, हर दुख सुख में आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। कोई परेशानी किसी तरह का अगर हमारे पास कोई आवेदन के माध्यम से आता है तो प्रयास करते हैं कि आप लोगों का समाधान हम कर सके। अगर आप लोगों को लगे कि कामरान आप लोगों की सेवा आगे भी करता रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 28 तारीख को दो नंबर पे लालटेन छाप पे आप लोग अपना मत दीजिएगा। लेकिन दो मत देने के लिए मैं आपको दो आधार भी देता हूं कि दो नंबर पे आप जब वोट देने जाएंगे तो आपको भी महसूस हो कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छे कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं। पहला घोषणा है कि आप के गांव में आपके मोहल्ला टाड में कोई काम सरकारी विधायक निधि से तो नहीं हुआ होगा, पक्की बात है, क्योंकि कहीं पे नहीं हुआ है। लेकिन अगर हुआ होता तो 40% कमीशन पहले माननीय विधायक जी को चढ़ावा के तौर पे देना पड़ता, तब जाके विधायक का फंड रिलीज होता है। लेकिन अगर आप लोगों के वोट से अगर विधायक बनने का मौका मिला तो एक भी रुपया कमीशन नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा आप लोगों के बीच में लाके खर्च करेंगे। दूसरा घोषणा कि वेतन का, सरकार जो वेतन देती है विधायक को, आपसे वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद विधायक को वेतन मिलता है सरकार की तरफ से, मेरा मानना है कि उस वेतन पे भी जनता का हक होना चाहिए। मैं एक एक रुपया वेतन का आप लोगों के बीच में आपसे पूछ के आप ही के बीच में खर्च करूंगा। कामरान अपने ऊपर सरकारी एक भी वेतन रुपया का खर्च नहीं करेगा, ये आप लोगों को वादा करता हूं, ताकि 28 तारीख को जब आप लालटेन पे वोट दबाएं तो आपको लगे कि आप ऐसे कैंडिडेट का वोट करने जा रहे हैं जो अपना वेतन और कमीशन दोनों जनता के बीच में, जनता की भलाई के लिए और समाज के लिए खर्च करने वाला है। तो देंगे ना लालटेन को, हाथ उठा करके एक बार आशीर्वाद दे दीजिए कि लालटेन को आप लोग वोट दीजिएगा। आप लोग नहीं दीजिएगा जो दीवार पर खड़े हैं, लालटेन को दीजिएगा ना, लालटेन को दीजिए, इसलिए कि आपका एक एक वोट बहुमूल्य है। आप यहाँ से भेजिएगा जिता के, तभी ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाना है ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री, तभी ना युवाओं को, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम लोगों को एग्जाम भरने, पर्चा भरने के लिए जो पैसा लगता है वो भी तभी ना नहीं लगेगा, और जाने के लिए जो पैसा ट्रेन में खर्च करके हम लोग एग्जाम देने जाते थे वो भी सरकार देगी। इसलिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लालटेन को अपना एक एक वोट 28 तारीख को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लालटेन छाप जिंदाबाद।